हरे कृष्णा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव सुखी रहना चाहता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, राजा इंद्र से लेकर एक चींटी तक इस भौतिक जगत में सुख उठाने का प्रयास करती है, आनंद में रहना चाहती है। लेकिन देखा जाए तो कोई भी प्राणी, विशेषकर से मनुष्य प्राणी का अगर बात करें, तो इतना प्रयास करने के बाद भी सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं, 12-18 घंटे मेहनत करते हैं, सर्दी में जाते हैं, तपती धूप में जाते हैं, बारिश में जाते हैं, खूब धन कमा लेने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है। जिनमें तनाव, चिंता, क्लेश, कष्ट रहते ही हैं। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, वो बताते हैं कि संसार जो है, बोलते हैं दुखालय है ये। दुखालय यानी दुख का आलय, यानी दुखों का घर। तो कोई भी किसी वस्तु के बारे में अगर हमको जानना हो, उसी एग्जैक्ट हमें जानकारी चाहिए, वो किससे मिलती है? उसके निर्माता से, जिसने उस वस्तु को बनाया है। तो इस प्रकार भगवान ने इस जगत की रचना करी, यंत्रारूढ़ाणि माया, बनाने के बाद उसे नाम दिया, एक ठप्पा दिया, दुखालय अशाश्वतम, कि संसार दुखों का सागर है। और ये संसार की, इस जगत की जो आकर्षक वस्तुएं, जिनसे हम आकर्षित होते हैं, जो सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी अस्थायी है, टेम्प्रेरी है। तो यहाँ पे परमानेंट रहने का इंतजाम नहीं करें। अभी होता यह है कि जो भगवान के भक्त नहीं हैं, जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, उन पर जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, तो वो क्या करते हैं? तकलीफों से भागते हैं। सहनता यही देखा जाता है, जब भी कष्ट आएगा, कोई समस्या आएगी, तो जो भक्त, जो कृष्ण भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं या जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। कोई भी तकलीफ आई है, यहाँ से भागो। जिस मोहल्ले कॉलोनी में रह रहे हैं, वहाँ के लोग अगर परेशान कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा मकान चेंज करेंगे, दूसरी कोठी बनाएंगे। जो पिछड़े लोग ऐसा करते हैं, कोई भी तकलीफ आएगी, यहाँ जहाँ जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, जिस समुदाय में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इसको चेंज करो, दूसरी जगह चले जाओ, वहाँ जाओ, फिर तकलीफ आएगी, तीसरी जगह जाओ। तो दुखों से भागने से कष्ट कभी जाता नहीं है, इस बात को कृष्ण भक्त जानता है। तो वो क्या करता है? जब कष्ट उस पर आते हैं, तकलीफ आती है, तो वो दुख में भाग लेता है। देखिए, जो अभक्त हैं वो कष्ट आने पर भागते हैं, और भक्त कष्ट आने पर उसमें भाग लेता है, ना पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कष्ट जो है, ये भगवान की एक कृपा है, ये भी भगवान की एक दया है। और जब कष्ट उस पर आता है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये कष्ट जो आया, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी शक्ति दीजिए, एक कि इस कष्ट को मैं सहन कर सकूं, और दूसरा कि इस कष्ट में मैं आपको कैसे सुख दे सकूं। इसीलिए कृष्ण भक्त को दुख में रहे, दुखाले भी उसको सुखाले लगता है, जबकि दूसरे लोग जो कष्ट में क्या आता है, अपने सुख के बारे में सोचते हैं, मुझे कैसे सुख मिलेगा, मुझे कैसे आनंद मिलेगा, मुझे कैसे प्रसन्नता मिलेगी। तो जब तक हम अपने सुख के, अपने आनंद के बारे में सोचेंगे, तब कष्ट, तनाव, चिंता, बाधाएं रहेंगी। कृष्ण भक्त जो होता है, वो दुख में भी यही सोचता, भगवान एक कष्ट में मैं आपको कैसे सुख दूँ। भगवान भी देखते हैं, सोचते हैं, देखो इतना कष्ट में है, तकलीफ में है, फिर मुझे सुख देने की बात सोच रहा है। ये विचार ही भगवान को बहुत प्रसन्न कर देता है। देखिए, भगवान हर आदमी की परिस्थिति को पहले देखते हैं, किस सिचुएशन में है, क्या फेस कर रहा है, और कितना मेरी तरफ बढ़ रहा है, ये भगवान नोट करते हैं। भक्त के जीवन में कोई कष्ट, तकलीफ आती है, तो उसके कर्मों से नहीं आती। प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में लिखते हैं ये बात कि सफरिंग इन ए लाइफ ऑफ अ डिवोटी इज नॉट बिकॉज इज परब्ध कर्मा, इट इज बिकॉज ऑफ द कृष्ण कर्मा। तो जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में कष्ट, तकलीफ आती है, वो माया देवी से, उसके प्रारब्ध कर्मों से नहीं आती। जबकि दूसरे व्यक्ति को जो कष्ट आता है, वो उनके प्रारब्ध कर्मों से आता है। तो भक्त को जब कष्ट आता है, वो कृष्ण की विशेष योजना होती है उस भक्त को अपनी तरफ खींचने के लिए, उसको तेजी से लाना चाहते हैं भगवान, कम ऑन, कम फास्ट। चलो, हम कभी कभी मंदिर में हम जाते हैं, मई जून के महीने में देखते हैं, बहुत तेज धूप रहती है, फ्लोर पर धूप रहती है। तो भक्त लोग जब मंदिर में दर्शन करने आते हैं, दर्शनार्थी, तो चूंकि नंगे पैर रहते हैं, वो तेजी से भागते हुए मंदिर की तरफ जाते हैं अल्टर में, क्योंकि फर्श जल रहा है, संगमरमर जल रहा है, जल्दी जाओ, पैर जलेगा। तो ऐसे ही भगवान भक्त को आराम से बैठने नहीं देते हैं। किस भक्त को? जिसको प्रेम करते हैं, जिसको बहुत प्रेम करते हैं, उसको ज़्यादा तकलीफ में रखते हैं भगवान कभी कभी, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी रखते हैं, क्योंकि उससे भगवान को लव है, प्रेम करते हैं भगवान, जल्दी आ, जल्दी से मेरी तरफ आकर्षित हो, मेरी कथाओं से आकर्षित हो। इसलिए जो अभक्त होते हैं, वो कष्ट में भागते हैं, और भक्त कष्ट में भाग लेते हैं। ये भक्त और अभक्त में अंतर होता है। इसीलिए हालांकि भगवान ने दुनिया बनाई, तो उन्होंने दिया दुखालय अशाश्वतम, और भक्त क्या बोलता है? दुख किधर है? दुख विश्वम पूर्ण सुखाए थे भगवान, या तो आनंद ही आनंद, मैं तो आनंद में हूँ एकदम। तो जब हम कृष्ण भक्ति करें, तो कष्ट से भागे नहीं, बल्कि उसमें भाग लें।
ऑफकोर्स इसके लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है, हमको एक प्रामाणिक योग्य साधु हमें मिले उससे मार्गदर्शन लें, तो हम तकलीफ के कष्ट में भी हम या तो तकलीफ कष्ट खत्म हो सकते हो, नहीं भी हुए जब डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, प्रभुपाद जी की भगवद्गीता का अध्ययन करें और भोग ला के प्रसाद खाएं, सिंपल प्रोसेस है एकदम, इसको भी अपनाएं तो आप देखें कि आपकी चेतना में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा और दुख में भी सुख में रह सकेंगे। भक्ति आने कष्ट में भी जो सुख में है वो भक्ति कर रहा है, उसको बोलते हैं कृष्ण भक्त।